मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। प्रदेश की जनता प्रदेश में सरकार बदलना चाहती है, आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी मैदान में डटी नजर आई। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तरुण माली द्वारा विधानसभा 3 में हर वार्ड में मतदाताओं के बीच जाकर उनकी समस्या जानी और आम आदमी पार्टी के वचन पत्र को लेकर लोगों को विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार दिल्ली हरियाणा में आम आदमी की सरकार है, उसी के साथ हम मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आपके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर विकास कार्य करेंगे। पूर्व में ही जहां पार्षद महापौर चुनाव हुए थे, प्रदेश में खाता खोलते हुए सिंगरौली महापौर ने एक तरफ बहुमत जीतकर आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में स्थापित किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3, विधानसभा क्रमांक 4 में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। बात की जाए क्षेत्र क्रमांक 3 की, तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा जहां जहां जनसंपर्क किया जा रहा, तो वहीं कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही। इन समस्याओं से लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी अपने वचन पर खरी उतरेगी। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए और इन दोनों पार्टी से जनता परेशान हो चुकी है, अब जनता जानना चाहती कि मध्य प्रदेश में किसी और की नई सरकार बने और प्रदेश का विकास और बेहतर हो। देखिए पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। क्षेत्र की जनता द्वारा मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो जनता का स्नेह प्रेम मेरे बीच में है, जो जनता के बीच की पीड़ाओं को मैं समझ रहा हूँ और उनके दर्द को हल करने की मेरे को पूरी कोशिश करूँगा। जब मैं इनके साथ में रहूँगा, जब मुझे जनता इस चीज़ के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी। किन किन मुद्दों पर आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हम आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर इन मुद्दों से। क्षेत्र की जनता चाहती है बदलाव, क्या लगता है कि किस प्रकार से बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। क्षेत्र की जनता पे वो भी आज सब मौन कर अपना विरोध धारण कर रही है। कई जनता बीच में हमारे को बता रही है उनकी तकलीफें कि आधी रास्ते में पानी है और आधे रास्ते में पानी नहीं है। इतना जनता के साथ शोषण हो रहा है। गंदगी को देखे तो आज तालाबों में पानी और गंदगी नालियों में पड़ा हुआ है। हर वार्डों में हम निरीक्षण करके आए कि आज ये स्थिति है कि वीडियो सहित हम आपको दे सकते हैं कि 57 नंबर वार्ड में आज गंदगी पानी उससे इतना बेहतर भरा हुआ है कि जनता आज भी उसका सफाई नहीं कर पा रही है। जनता आम आदमी पार्टी ऐसे चुनाव में उतरी तो बाहुबली बीच में, क्या आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व यहाँ कायम रखेगी? ये तो वर्चस्व आज भी कायम रखेगी और आने वाले टाइम में भी अपना आम पार्टी कायम रखेगी। और ये जनता का जनार्दन है, जो जनता वो सर्वप्रिय पर्सन है, उसी जनता को हम स्वीकार करेंगे। आपका परिचय? मैं तरुण माली, जिन्हें दो क्षेत्र से, क्षेत्र क्रमांक 3 से।